हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आपके साथ MPPCS के पुराने वर्षों के प्रीलिम्स के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इन प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के लिए हमने टाइम फ्रेम रखा है वर्ष 2013 से 2018 तक। आज हम लोग एनवायरमेंट सब्जेक्ट के साथ आपके समक्ष आए हैं, जहाँ पे हम लोग 2013 से 18 के बीच में अपीयर होने वाले सभी एनवायरमेंट के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ में कोशिश ये करेंगे इनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट से आपको अवगत कराया जाए। इसके अलावा अगर MPPCS से संबंधित आपको कोई गाइडेंस, कोई स्टडी मटेरियल, कुछ भी चाहिए हो तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए आप दिए गए दो नंबर्स पे कॉल करें, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं 2013 वर्ष में अपीयर होने वाले एनवायरमेंट के क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। तो भाई, जो पहला क्वेश्चन है वो एक प्रोसेस से डील करता है। प्रोसेस का नाम है विटीकल्चर। क्वेश्चन कह रहा है विटीकल्चर क्या होता है। क्या फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन को कहते हैं विटीकल्चर, या फिर ग्रेप्स के प्रोडक्शन को कहते हैं, या किसी तरीके का प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है ये, या फिर शुगर केन का प्रोडक्शन है। तो देखिए, जो विटीकल्चर है बेसिकली वो ग्रेप्स से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं एक और चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा, आप काफ़ी सारे कीवर्ड्स देख लें। जैसे कि यहाँ पे विटीकल्चर है, वैसे ही क्वेश्चन आपसे हो सकता है हॉर्टिकल्चर के बारे में पूछा जाए, हो सकता है एपिकल्चर के बारे में पूछा जाए, हो सकता है एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाए, ऐसे ही होता है फ्लोरिकल्चर। तो आप इन प्रोसेस को एक बार देख लें, एक बार इनकी लिस्ट पर नज़र मार लें, क्योंकि अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आता है, सीधे आपसे पूछेंगे हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, क्या ये प्लांट के कल्टिवेशन से है, या फिर फ्लावर से कल्टिवेशन से है, या फिर एपिकल्चर किससे संबंधित है। तो इस तरीके क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आप एक बार इन कीवर्ड्स को ज़रूर देख लें। और कीवर्ड्स के साथ मैं एक और चीज़ आपको रिकमेंड करूंगा, जो रिवोल्यूशंस हुए हैं इनको भी देख लें, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, जैसे कि गोल्डन रिवोल्यूशन, रेड रिवोल्यूशन। और इन रिवोल्यूशंस में ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में खास करके थोड़ी डेप्थ में पढ़ लें, कौन इसका फादर माना जाता है, कब हुआ, क्या क्या चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड हैं, कौन से क्रॉप्स का इस्तेमाल किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में। तो इस तरीके की आप चीज़ें एक बार देख लेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी आएंगे आप आराम से उनको आंसर कर पाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है जो रबी क्रॉप्स है इनको कब बोया जाता है, यानी कब ये सोन होते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तीन टाइप की ऐसी सीक्वेंस होती है क्रॉप्स की, एक होता है खरीफ क्रॉप, एक होता है रबी क्रॉप्स, एक होता है जायद क्रॉप्स। जो खरीफ और रबी है ये दोनों ही वर्ड अरबिक लैंग्वेज से लिए गए हैं। कई बार इस तरीके क्वेश्चन आता है कि कौन से लैंग्वेज से डिराइव्ड है। एग्जांपल के तौर पे 2013 वर्ष में हमने देखा था, क्वेश्चन था मॉनसून वर्ड कहाँ से, कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड है। तो आप इस चीज़ का भी एक बार थोड़ा ध्यान रख लें। अब ये क्या होते हैं, देखिए खरीफ तो वो होते हैं जो जनरली मॉनसून सीज़न में उगाए जाते हैं, रबी वो होते हैं जो विंटर सीज़न में उगाए जाते हैं, और जायद वो होते हैं जो बचा हुआ बीच का सीज़न है उसमें ये उगाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमको बात करनी है रबी की। देखिए, रबी जो होता है वो उसको बोया जाता है ठंडियों में, ठंडियों में जनरली अक्टूबर नवंबर के आसपास। और जब इसको हार्वेस्ट करने का टाइम आता है, यानी कि जब फसल काटने का टाइम आता है, तो वो हम करते हैं स्प्रिंग सीज़न में, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस टाइम के आसपास आप इसको काटते हैं फसल को। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि कौन कौन से क्रॉप्स खरीफ के अंदर पड़ते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स रबी के अंदर पड़ते हैं। जैसे कि वीट है, ये रबी के अंदर पड़ता है, पैडी है, ये खरीफ के अंदर पड़ता है। ऐसे ही जायद में आप ये देखें वाटरमेलन, उसके अलावा जो बड़े बड़े होते हैं पम्पकिन यानी कद्दू, ये सब के सब जायद में पड़ते हैं। तो ये चीज़ें आप कुछ देख लें। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम एग्जामिनर यहीं तक जाएंगे, तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को देख लें, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो हम आराम से अटेम्प्ट कर पाएं। अब चलते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है रबी क्रॉप को कब बोया जाता है। हमने अभी देखा कि ये विंटर क्रॉप्स हैं, तो विंटर क्रॉप होने की वजह से इसको बोया जाता है अक्टूबर और नवंबर के बीच में। तो हिसाब से आंसर हुआ ए ऑप्शन। अगर इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखें तो ये विंटर में उगाए जाते हैं, और इसको जो हार्वेस्ट किया जाता है वो है स्प्रिंग में। ये अरबिक टर्म है, उसके अलावा इनको हम लोग विंटर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। खरीफ और रबी दोनों के दोनों का ओरिजिन कहाँ होता है, अरबिक लैंग्वेज में होता है। कब इनको सो किया जाता है या फिर कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में। कौन कौन से मेन क्रॉप्स हैं, वीट है, बार्ले है, ग्राम है, पीज है, मस्टर्ड है और पोटैटो है।
तो इस वाले फैक्ट को भी आप थोड़ा ध्यान रखें। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डीफॉरेस्टेशन से संबंधित। भाई डीफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब हम लोग भारी मात्रा में पेड़ काटते हैं तो उसको हम कहते हैं डीफॉरेस्टेशन, यानी कि हम फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं। और इसी के विपरीत जब आप पेड़ लगाते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है अफॉरेस्टेशन। यहाँ पे आप फॉरेस्ट को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो अब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ये डीफॉरेस्टेशन यानी कि जब पेड़ काटते हैं तो उसके कुछ इम्पैक्ट पड़ते हैं, पूछ रहा है ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा इम्पैक्ट नहीं है, नॉट यहाँ पे पूछ रखा है। अब देखिए एक पेड़ है, अगर पेड़ को हम काट देंगे तो जो जो सर्विसेज ये पेड़ देता है वो अब नहीं देगा, तो वो इसके बैड आउटकम्स हो जाएंगे। जैसे कि जो पेड़ है वो वाटर टेबल को मेंटेन करने का काम करता है, तो अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो वाटर टेबल मेंटेन नहीं रहेगी, इसकी वजह से आसपास के जो भी रिसोर्सेज हैं वो सूखने लगेंगी। तो पहला ऑप्शन है ड्राइंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो कि बिल्कुल ठीक है, अगर ये पेड़ कटेगा तो वाटर रिसोर्सेज वहाँ की सूखने लगेंगी। उसके अलावा पेड़ जो है वो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, वो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को अट्रैक्ट करता है। अब आप सोचिए ये एक पेड़ है, इस पर अलग अलग तरीके की चिड़ियाएँ आके बैठती हैं, अलग अलग कीड़े मकोड़े रहते हैं, गिलहरी और छोटे छोटे इस तरीके के और भी जीव रहते हैं, तो ये एक सिंगल पेड़ कितने लोगों को केटर कर रहा है। लेकिन अगर ये पेड़ नहीं रहेगा तो बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा? तो ये निश्चित बात है बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, तो ये बात भी सही है। उसके अलावा जो पेड़ है उसकी जो जड़ें होती हैं जनरली वो मिट्टी को कस के पकड़ के रखती हैं। ये क्या करती हैं? ये डैम्स का काम करते हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट डैम्स का काम करते हैं, तो जो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे। तो अगर तेज़ हवा चलेगी या फिर किसी तरीके का पानी का तेज़ बहाव यहाँ से आया तो ये मिट्टी इसके साथ बहेगी नहीं, यानी सॉइल इरोजन नहीं होगा। पर अगर ये पेड़ नहीं है तो ये मिट्टी ढीली पड़ जाएगी, ढीली पड़ेगी तो अगर तेज़ हवा चली या फिर एक तेज़ प्रेशर से कहीं से पानी आया तो उस पानी के साथ जो टॉप सॉइल है वो सारी बह जाएगी, तो यानी सॉइल भी इरोड होती है। बचा हुआ अर्बनाइजेशन, ये यहाँ पर टिक करेंगे हम। अब देखिए अर्बनाइजेशन जो है वो इम्पैक्ट नहीं है, वो रीज़न है। अर्बनाइजेशन के चक्कर में हम लोग पेड़ काट रहे हैं। देखिए बात यह है कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया में एक समय बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन अब हमने देखा कि भाई यहाँ पे आसपास बहुत सारे घर बन चुके हैं, घर बन रहे हैं, तो फिर अगर यहाँ पे कोई मॉल या ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगाया जाएगा तो बहुत चलेगा। तो हमने इस पूरे एरिया के पेड़ काट दिए और यहाँ पे एक मॉल खड़ा कर दिया। तो अर्बनाइजेशन तो वजह है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया डीफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, तो आप समझ गए होंगे कॉज एंड इफेक्ट का थोड़ा फर्क है, अर्बनाइजेशन से हो रहा है डीफॉरेस्टेशन। देखिए अगर हम यहाँ पे फ्लो चार्ट में समझे तो अर्बनाइजेशन से हो रहा है डीफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है डीफॉरेस्टेशन से क्या क्या हो रहा है। डीफॉरेस्टेशन से सबसे पहले वो कह रहा है कि वाटर जो है वो सूख जाएगा, दूसरा कह रहा है बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, तीसरा कह रहा है सॉइल जो है वो भी इरोड होगा। तो हाँ ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन अर्बनाइजेशन यहाँ पे कॉज की तरह काम करता है, ना कि किसी इफेक्ट की तरह। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एक संस्था के बारे में, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे स्थित है, देहरादून में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में। तो हम लोग एक बार इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1956 में एस्टैब्लिश की गई थी, और आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, एटलस और मैपिंग। तो यानी कि इसका जो मेन फोकस था वो था एक नेशनल एटलस खड़ा करना इंडिया का, एक नेशनल एटलस प्रिपेयर करना। बाद में धीरे धीरे इसकी स्कोप को बढ़ा दिया गया, इसकी एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया गया और नए नए फील्ड्स इसमें आके जुड़ने लगे, जैसे कि ज्योग्राफिकल रिसर्च इसका एक और एम बन गया, थीमेटिक मैपिंग इसका दूसरा एम बन गया। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। अब इसके जो पहले डायरेक्टर थे वो बने हैं प्रोफेसर एसपी चैटर्जी, और प्रोफेसर एसपी चैटर्जी को ही कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। 1978 में इस संस्था का नाम चेंज करके रख दिया गया नेशनल एटलस एंड थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि इसका मैपिंग से स्कोप बढ़ा के और भी एरियाज में लाया जा सके। इसका हेडक्वार्टर्स है कोलकाता में, और इसने जो अपना पहला नेशनल एटलस छापा था हिंदी में उसको बोला गया था भारतीय राष्ट्रीय एटलस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बोल रहा है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ लोकेटेड है, तो हमने अभी पढ़ा कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कोलकाता में, तो इसका आंसर होगा कोलकाता।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक डेकेड के बारे में है, पूछ रहा है कि इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, यानी डिजास्टर में रिडक्शन आ सके ऐसे हम मेथड्स अपनाएं, इसके लिए एक पूरा डेकेड घोषित किया गया था, पूरे 10 साल घोषित किए गए थे, आपको बताना है वो कौन से 10 साल थे। तो देखिए, जो इंटरनेशनल डेकेड था नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन का, वो था 91 से 2000 वाला। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, डिजास्टर से हो रही जो जान माल का नुकसान है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन है, सोशल इकोनॉमिक डिसरप्शंस हो जाते हैं, उन सबको जितना कम हो सके उतना कम करें हम। देखिए, नाम भी यही, रिडक्शन करना है किस में, नेचुरल डिजास्टर्स में। अभी जो अगला क्वेश्चन है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। इस एक्ट को और भी एक दूसरे नाम से जाना जाता है, वो पूछ रहा है किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को जाना जाता है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से। इसके अलावा आप देखिए, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये बेसिकली 1986 में लाया गया था। इसके अगर हम बैकग्राउंड पे जाएं तो आपको मालूम होगा 1984 में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से। ये बेसिकली दिसंबर 2 और 3 को हुआ था। यहाँ पे बेसिकली भोपाल में एक पेस्टिसाइड प्लांट से, जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, वहाँ से एक पर्टिकुलर गैस लीक हो गई थी, और वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि एक बहुत ही टॉक्सिक गैस है। इस वजह से उस समय 5 लाख से ज़्यादा लोग इस पर्टिकुलर गैस से एक्सपोज हो गए, और उसके आफ्टर इफेक्ट इतने ख़राब थे कि उस समय बहुत लोगों की डेथ हो गई, और कई लोगों में कुछ इस तरीके के चेंजेस आ गए कि आज भी उनके सक्सेसर्स में कहीं ना कहीं गैस से कॉज किए हुए डैमेज के ट्रेसेस मिलते हैं। तो इसी की वजह से सरकार ने 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्ट किया, संविधान के आर्टिकल नंबर 253 के तहत। इस एक्ट का मेन पर्पस ये था कि ह्यूमन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, कहीं भी किसी भी तरीके के भयंकर हैजार्ड्स होने वाले हों तो उससे बचा जा सके। और साथ साथ हम लोग यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट में की गई बातों को भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे। तो बेसिकली ये था पूरा बैकग्राउंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का। इसको आप ध्यान रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, और इसको कहा जाता है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। तो जो क्वेश्चन है ये बात कर रहा है एक अलग टाइप के हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट है जिसको हम कहते हैं लेंटिक हैबिटेट। क्वेश्चन ये है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है लेंटिक हैबिटेट का। अब ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले हमको ज़रूरी है लेंटिक हैबिटेट के बारे में जानना, एक्चुअली वो क्या होता है, और जब हम उसको जान लेंगे तभी हम बता पाएंगे कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल एक्चुअली लेंटिक हैबिटेट के हैं और कौन से नहीं हैं। देखिए, एक लेंटिक इकोसिस्टम क्या होता है, ये एक बॉडी है वाटर की जहाँ पे वाटर ठहरा हुआ है, यानी स्टैंडिंग वाटर है, स्टैगनेंट वाटर है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई तालाब होगा, कोई पूल्स हो सकते हैं, बेसिन हो सकते हैं, मार्शेज, लेक, जो बेसिकली पानी ठहरा हुआ है, ये पानी चल नहीं रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है। तो ऐसे सभी एक्वेटिक इकोसिस्टम को आप कहेंगे लेंटिक इकोसिस्टम। और अगर वहीं पे हम इसका विपरीत इकोसिस्टम की बात करें तो उसको हम कहते हैं लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक मतलब जो इस तरीके से लोट रहा है, यानी फ्लो हो रहा है। तो जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो भी पानी बह रहा होता है, बहाव में होता है, मूविंग वाटर है, उस सभी पानी को आप कहेंगे लोटिक इकोसिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पर क्रीक, ब्रुक, रिवर, स्प्रिंग, चैनल या स्ट्रीम। अब देखिए, आपको मालूम ही है कि जो रिवर होती है जनरली वो इस तरीके से बहाव में ही रहती है, तो वो जो वाटर है ये फ्लोइंग वाटर है, मूविंग वाटर है, तो इस वाले इकोसिस्टम को आप कहेंगे लोटिक। अगर वहीं पे ये पानी ठहरा हुआ होता तो आप यहाँ पे कहते हैं लेंटिक। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है क्या इनमें से एग्जाम्पल है लेंटिक हैबिटेट के, यानी कि कौन से एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे पानी ठहरा हुआ है। एक तो है पॉन्ड्स और स्वैम्स, फिर है वाटरफॉल और रिवर्स। देखिए, रिवर हमने बात की थी वो बह रही होती है, वाटरफॉल्स में भी पानी ऊपर से गिर रहा होता है नीचे, तो दोनों में ही जो वाटर है वो फ्लोइंग वाटर है। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है पॉन्ड्स एंड रिवर। देखिए, पॉन्ड तो हम मान सकते हैं कि पानी ठहरा हुआ होगा, लेकिन रिवर फिर से यहाँ पे आ गई। रिवर में वही पानी बहाव में ही होगा, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हुआ। तो जब दो ऑप्शन नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव का तो कोई चांस ही नहीं है, तो बचा सिर्फ एक ऑप्शन पॉन्ड और स्वैम्स। बेसिकली इन दोनों ही जगह पे पानी जो है वो रुका हुआ रहता है, ठहरा हुआ रहता है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेंटिक हैबिटेट। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ग्रीन आर्मी के बारे में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कंट्री ने ग्रीन आर्मी को इंट्रोड्यूस किया था एनवायरनमेंट के एक कंजर्वेशन के लिए, यानी संरक्षण के लिए। क्या वो जापान था, चाइना था, ऑस्ट्रेलिया था, या फिर इजिप्ट था।
देखिए, अगर हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखें तो ग्रीन आर्मी का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था। मेन इसका फोकस था एनवायरनमेंट का, हमको प्रोटेक्शन करना है। आर्मी मतलब हम लोग एक संगठन बनाएंगे, और ग्रीन इसमें ये सिग्निफाई करता है कि हम लोग एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करेंगे, उसके संरक्षण पे ध्यान देंगे। इसमें प्लान किया गया कि करीब 15,000 यंग पीपल को हम रिक्रूट करेंगे। रिक्रूटमेंट के बाद उनको ट्रेन करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो एनवायरनमेंट को कंजर्व करें, उसको रिहैबिलिटेट करें, और इसमें कई अलग अलग तरीके काम कराए जाएंगे टीम बना के यंग लोगों की, जैसे कि उनसे पेड़ पौधे सब लगवाए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में कोआलाज बहुत ज़्यादा हैं, तो कोआला के जो हैबिटेट्स ख़त्म हो रहे हैं उनके हैबिटेट्स को वापस रिस्टोर करने पे ध्यान दिया जाएगा। जो रिवर्स, जो क्रीक्स गंदी हैं उनको क्लीन किया जाएगा। जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं उनको कंजर्व किया जाएगा, और जो भी थ्रेटेंड स्पीशी हैं, जो खतरे में हैं, उन सबको मॉनिटर किया जाएगा। देखा जाएगा कि उनके ऊपर कौन सा खतरा मंडरा रहा है, और उस खतरे को मिनिमाइज करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। तो मतलब आर्मी के तहत हम लोग एक टीम बनाएंगे यंग लोगों की, और उनसे कहेंगे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो भी पॉसिबल इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं वो सब इनिशिएटिव यहाँ पे वो लें। तो अगर हम ऑप्शन पे चलें तो इसका आंसर रहेगा सी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रीन आर्मी का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। ये क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में है। सवाल काफ़ी इजी है, कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? एयर पोल्यूशन से है, ग्रीन हाउस गैसेस से है, क्लाइमेट चेंज से है, या वाटर पोल्यूशन से है? तो जब आप इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने से रिलेटेड है। अब नाम इसका क्योटो प्रोटोकॉल ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये प्रोटोकॉल जहाँ साइन किया गया था वो जगह का नाम था क्योटो, जो कि जापान में है, और ये 1997 में साइन किया गया था। लेकिन इंडिया ने 97 में उसको रेटिफाई नहीं किया, इंडिया ने उसको रेटिफाई किया है 2002 में। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। फाइनली वो फोर्स में आया आप फरवरी 2005 को, और अगर अभी की बात करें टोटल 192 उसमें पार्टीज हैं। यूएसए एक ऐसी कंट्री थी जिसने कभी भी क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया। तो अगर एग्जाम में इस तरीके का सवाल आए कि इनमें से कौन सी कंट्री ने कभी भी क्योटो को रेटिफाई नहीं किया, तो उसमें आप यूएस मार्क कर सकते हैं। और कनाडा ने शुरुआत में क्योटो के फर्स्ट फेज में तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद 2012 में उससे क्विट कर दिया, विड्रॉ कर लिया। क्या हमने गोल रखा है क्योटो में? क्योटो में हम फोकस करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशंस हो रहे हैं उनको किस तरीके से कम किया जाए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और एक बार ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती चली गई तो फिर जो भी आइस कैप्स हैं, जो भी ग्लेशियर्स हैं, जहाँ जहाँ बर्फ़ है, वो सब मेल्ट होने लगेगी। आप ये समझिए कि अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ने लग गया तो वहाँ पे जो भी बर्फ़ है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी। इससे बहुत समस्याएं हो जाएंगी, इससे समुद्र का जो लेवल है वो ऊपर हो जाएगा। समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं लाया करती, तो वो सारी कंट्रीज़ का सबमर्जेंस का खतरा आ जाएगा। तो ये इतना बड़ा रिएक्शन एक बस ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने की वजह से आएगा। तो हम यहाँ पे जड़ पे फोकस करते हैं, हम उसके रूट कॉज पे फोकस करते हैं, और ग्रीन हाउस गैस को बढ़ने नहीं देना चाहते। तो उसके तहत हमने यहाँ पे कुछ टारगेट्स रखे। हमने टारगेट 2012 तक के लिए रखे थे, जहाँ पे हमको ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कट करना है। कितना कट करेंगे आप? 5% उसको कट करेंगे, और ये किसके कंपैरिजन में? 1990 के लेवल्स के कंपैरिजन में करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रोटोकॉल है बेसिकली, ये एक प्रिंसिपल को प्रमोट करता है। प्रिंसिपल क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, CBDR। यानी कि देखिए, इसमें बहुत सारे अलग अलग नेशंस हैं, उसमें से कुछ नेशन जो हैं वो डेवलपिंग हैं, अभी वो अपने डेवलपमेंट की राह पे हैं, और वहीं पे कुछ नेशन हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हैं। तो देखिए, डेवलप्ड नेशन जब अपने डेवलपिंग फेज में थे तो उन्होंने भर भर के यहाँ पे धुआं छोड़ा है, ग्रीन हाउस गैसेज छोड़ी हैं, जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है आज जो हम क्लाइमेट चेंज बेयर कर रहे हैं उसके लिए। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं भाई, उनका तो अभी डेवलपमेंट का फेज चल रहा है। अगर आप दोनों पे ही सेम टारगेट्स लगा दो कि भाई तुम लोगों को दोनों को इस पर्टिकुलर ईयर तक इतना कट करना है, तो वो सही नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज़ तो ऑलरेडी इतना सारा फैला चुकी हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अगर रेस्ट्रिक्शन लगाओगे तो उनके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो उनके डेवलपमेंट को बचाने के लिए हमने ये एक प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई ये है कि हमको आपको सबको मिलके एनवायरनमेंट को बचाना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, लेकिन डिफरेंशिएटेड इस रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हिसाब से है कि डेवलपिंग कंट्री को जो कट करने को कहा गया ग्रीन हाउस गैस में वो कम था, लेकिन डेवलप्ड कंट्री को जो कट करने को कहा गया वो ज़्यादा था। ये चीज़ इसलिए करी गई क्योंकि डेवलपिंग कंट्री को अगर एकदम से बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन के तहत ला दिया जाएगा तो इस बात से उसके डेवलपमेंट पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल के ज़रिए इस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की गई है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि क्योटो प्रोटोकॉल अकेला एकमात्र ग्लोबल ट्रीटी है जिसमें बाइंडिंग टारगेट्स हैं, और वो बाइंडिंग टारगेट्स किसके लिए हैं, जीएचजी एमिशंस को कम करने के लिए। तो ये बाइंडिंग है, इस चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान रखें। अब हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, एयर पॉल्यूशन से, ग्रीन हाउस गैसेस से, क्लाइमेट चेंज से या वाटर पॉल्यूशन से? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है ये, जिसमें हम लोग 5% ग्रीन हाउस गैस को कट करने की कोशिश कर रहे थे। कब तक? 2012 तक। और कौन से लेवल पे लाने की बात कर रहे थे? 1990 के लेवल्स पे। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हैलोफाइट्स के बारे में। इसमें पूछा गया है हैलोफाइट्स कहाँ पे अच्छे से उग पाते हैं। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले समझना पड़ेगा हैलोफाइट्स क्या होते हैं। देखिए, हैलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं, वो पेड़ पौधे होते हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, यानी वो सॉल्ट को टॉलरेट करके अगर नमकीन पानी होगा तो उसमें भी आराम से उग सकते हैं। उनको कहा जाता है हैलोफाइट्स। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर समुद्री पानी आ रहा है, हमको ये बात पता है कि उसकी सैलिनिटी पानी की बहुत ज़्यादा है, सैलिनिटी ज़्यादा है, लेकिन ये पेड़ अगर वैसे पानी में भी सस्टेन कर पा रहा है तो उसको आप हैलोफाइट्स कहेंगे। तो बेसिकली हैलोफाइट्स कहाँ अच्छे से उगेंगे? एसिडिक सॉइल में नहीं, कोल्ड सॉइल में भी नहीं, सॉइल जहाँ पर कैल्शियम है, और सलाइन सॉइल। तो बेसिकली सलाइन सॉइल में ये काफ़ी अच्छी तरीके से उग जाएंगे क्योंकि उनका नाम ही हैलोफाइट्स है। उनको बेसिकली कैटेगराइज हैलोफाइट्स इसी बिना पे किया जाता है कि वो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं और नमकीन यानी खारे पानी में आराम से उग जाते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हैलोफाइट क्या होता है? हमने बात की आपसे, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है जो कि ऐसे मिट्टी में या फिर पानी में उगते हैं जहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंग्रोव्स हैं, मार्शेस हैं, समुद्र के किनारे उगने वाले कुछ पेड़ पौधे हैं। फिर यहाँ पे हम एक दूसरे टर्म की बात करते हैं, ज़ीरोफाइट। भाई ज़ीरोफाइट क्या होता है? ये ऐसी स्पीशी है प्लांट की जिसके पास कुछ अलग से अडेप्टेशंस होते हैं। अडेप्टेशन कैसे होंगे? कि वो कम से कम मात्रा अगर पानी की अवेलेबल है तो उसमें भी वो सस्टेन कर लेते हैं। जैसे कि डेजर्ट वाले एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पाएंगे वो, या फिर एल्प्स में और आर्कटिक टाइप के एनवायरनमेंट में भी सस्टेन कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे कैक्टस है, पाइनएप्पल है, और कुछ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स भी हैं। फिर हम देखते हैं लिथोफाइट्स। देखिए ये तो नाम से ही पता पड़ रहा है, लिथो यानी कि रिलेटेड टू रॉक। तो इसका मतलब जो भी प्लांट पत्थर के ऊपर उग जाते हैं उनको आप कहते हैं लिथोफाइट्स। देख लीजिए, प्लांट दैट ग्रो वेल ऑन रॉक्स, यानी रॉक के ऊपर ये उग जाते हैं। इनको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि एपिपेट्रिक या फिर एपिलिथिक प्लांट्स। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल एक पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में है जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। कह रहा है कि किस चीज़ के अधिक मात्रा यानी एक्सेस की वजह से ये पर्टिकुलर सिंड्रोम, ये पर्टिकुलर डिजीज़ कॉज होता है? क्या वो आयरन है, लेड है, मिथेमोग्लोबिन है, या नाइट्रेट है? तो देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम से आपको पता पड़ रहा है ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है, इन्फेंट्स में, छोटे छोटे बच्चों में होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें बच्चे के शरीर पे कई एरियाज में ब्लू कलर के पैचेस आ जाते हैं। तो ये आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसमें नाइट्रेट की जब मात्रा अधिक होती है किसी भी वाटर सोर्स में, और अगर वो पानी किसी तरह भी बेबी ने कंज्यूम कर लिया तो उस बेबी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज़ से पीड़ित हो जाएगा। इसको याद करने के लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भाई नाइट में सब जगह अंधेरा हो जाता है तो आपको हर जगह ब्लू ब्लू दिखता है, तो नाइट में ब्लू दिखता है, इसलिए नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम। मतलब इस तरीके की आप अपनी खुद के भी ट्रिक्स बना सकते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे डिजीज़, कई सारे सिंड्रोम्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की अधिक मात्रा की वजह से हो जाते हैं, जैसे कि इटाई है, या फिर उसको आउच भी कहते हैं। ये कैडमियम की अधिक मात्रा की वजह से कॉज होता है। तो आप ऐसे सभी डिजीज़ की एक बार लिस्ट देख के चले जाएं एग्ज़ाम में, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको आराम से आंसर कर पाएँ। तो एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
देखिए इसमें क्या होता है, नाइट्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है जब पानी नाइट्रेट से कंटैमिनेट होता है, और वो पानी किसी भी तरीके से किसी बच्चे के शरीर में पहुंच जाता है तो वो ब्लू बेबी सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। उसमें ऐसे ब्लू कलर के पैचेस पड़ जाते हैं। ज़्यादातर जो सबसे कॉमन होता है, जो बच्चे सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, वो है 3 महीने से कम के बच्चे, लेकिन बाकी पॉपुलेशन में भी ये पर्टिकुलर डिजीज़ आ सकता है। अब ये पानी में कैसे मिलेगा भाई? फर्टिलाइज़र में हमको पता है एन पी और के की मात्रा होती है। जब ये फर्टिलाइज़र हम एग्रीकल्चर में डालते हैं ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में और उसमें पानी डालते हैं, तो पानी के साथ बह के कई बार दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये पानी के साथ सीप होके नीचे चला जाता है ग्राउंड वाटर में, और दूसरी बात ये चला जाता है रिवर में अगर पास से कोई बह रही हो तो। फिर जब यही ग्राउंड वाटर हम लोग बिना प्योरीफाई करे, बिना फिल्टर करे इस्तेमाल करते हैं, तो वो नाइट्रेट जो यहाँ पे पहुँचा है वो किसी ना किसी तरीके से हमारे शरीर में घुस जाता है और बच्चों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसी वजह से इसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे। ये किस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर को, 5 जून को, 23 मार्च को, या 21 अप्रैल को? बेसिकली ओजोन लेयर के प्रिजर्वेशन के लिए हमको मालूम है एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल रखा गया है, उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या करता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फोकस करता है जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जैसे कि क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स, उनके यूज़ को कम से कम किया जाए, जिससे कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो टूटे नहीं, और अगर वो डिप्लीट नहीं होगी तो सूर्य से आने वाली खतरनाक यूवी रेज धरती तक नहीं पहुंचेगी। और वो इसलिए क्योंकि जो यूवी रेज इस तरीके से सूर्य से आ रही हैं, जो ओजोन लेयर है ये इन यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है सभी ऑर्गेनिजम्स को, वरना अगर यूवी रेज का डायरेक्टली सामना हो जाए तो फिर हमें अलग अलग तरीके के कैंसर हो सकते हैं, कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, पेड़ों की प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। तो बेसिकली ये जो ओजोन लेयर है ये हमको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है, ये ओजोन जो है ये दो अलग अलग जगह पे मौजूद है, और दो अलग अलग जगहों पे ये दो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है। अगर आप उसी ओजोन लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर में देखें तो स्ट्रेटोस्फेयर में वो ओजोन लेयर बन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अगर उसी ओजोन को हम लोग ट्रोपोस्फेयर में सोचें तो ट्रोपोस्फेयर में ये बड़ा भयंकर पल्यूटेंट है और कुछ और चीज़ों के साथ मिलके ये फोटोकेमिकल स्मॉग जैसी चीज़ें कॉज करता है। तो बेसिकली ओजोन के ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं दो अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पे। अब इसी ओजोन को, यानी स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन जो हमको यूवी से बचाती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का यूज़ कम से कम किया जाए, उसके ऑल्टरनेटिव लेके आए जाएं। और ये सब हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तय किया था। जिस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने अडॉप्ट किया था 1987 में, उस दिन को हम लोग ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे के नाम से मनाते हैं। और अगर तारीख की बात करें तो तारीख थी उस दिन 16 सितंबर। तो देखिए एक बार डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ते हैं। सितंबर 16 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल डे मनाया प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर का। इसमें बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अडॉप्शन को हमने कमेमोरेट किया, और ये शुरू कब हुआ, ये हमने 19 दिसंबर 2000 से स्टार्ट किया है मनाना। मॉन्ट्रियल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओजोन लेयर को बचाने की कोशिश करते हैं जो हमको खुद अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है जो सन से आ रही हैं। अगर वो उससे नहीं बचाएंगी तो अलग अलग टाइप के कैंसर कॉज करती है वो। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक या फिर रेड लिस्ट जो आपने नाम सुना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसको छापता है, कौन सा उसके साथ रिलेटेड है? देखिए अगर हम डिस्क्रिप्शन पे बात करें तो IUCN वो संस्था है जो रेड डेटा बुक या फिर रेड लिस्ट छापती है। ये 1964 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था, और ये कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री है, यानी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसमें इंफॉर्मेशन जमाई गई है, और ये अलग अलग प्लांट एनिमल्स सभी के ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस को दिखाता है, उनको दर्शाता है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ नज़र डालें तो हमारा आंसर होगा IUCN, रेड डेटा बुक या फिर रेड लिस्ट, कौन छापता है? IUCN। अब ये जो रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट आती है इसमें कुछ क्राइटेरियाज मैंशनड होते हैं। देखिए जो क्राइटेरियाज यहाँ पे लिखे हैं, सबसे पहले जितनी भी स्पीसी हैं इनको दो भाग में डिवाइड किया गया, एक तो नॉट इवेल्युएटेड यानी कि अभी तक उनका इवेल्युएशन नहीं किया गया, एक इवेल्युएटेड जो इवेल्युएट कर दी गई। अब इवेल्युएट करने के बाद भी कई लोगों का तो डाटा मिल नहीं पाया सफिशियंट, तो दो कैटेगरी तो हो गई, एक नॉट इवेल्युएटेड और एक डेटा डेफिशिएंट। लेकिन जिनके पास डेटा
था, यानी कि जिनका डेटा सफिशिएंट था हमारे पास, हमने उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को उनके कंजर्वेशन स्टेटस के अनुसार इस टेबल में जमा दिया। देखिए, शुरू होता है लीस्ट कंसर्न से, यानी जिसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड है, उसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी है। फिर आता है नियर थ्रेटेंड, जो अभी समझ लीजिए खतरे के निशान की तरफ बढ़ चला है, हालांकि उसके पास नहीं है लेकिन उस तरफ वो बढ़ निकला है। फिर आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब ये खतरे की रेखा के बिल्कुल बगल में खड़ा है। अगर ये खतरे की रेखा से इधर हुआ तो इसकी पॉपुलेशन और ज़्यादा गिरेगी और ये और नीचे वाली कैटेगरी में आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड के बाद आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फिर आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जब उसकी पॉपुलेशन वाइल्ड में मिलना ख़त्म हो गई हो और हमने उसको जू में या फिर कोई ब्रीडिंग सेंटर्स में प्रिजर्व करके रखा है, लेकिन अगर वाइल्ड की बात करें तो वाइल्ड में वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। और लास्ट कैटेगरी है एक्सटिंक्ट, यानी कि ना वो वाइल्ड में बचा है ना वो जू या फिर किसी ऐसे कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में बचा हुआ है, और बहुत समय पहले उसकी आखिरी पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई थी, उसके बाद से उसकी कोई पॉपुलेशन देखी नहीं गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें, टोटल 9 कैटेगरीज में IUCN की रेड लिस्ट में सभी ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया है, जिसमें से 2 तो है नॉट इवेल्युएटेड और डेटा डेफिशिएंट, बाकी सब अपने थ्रेट के अनुसार क्लासिफाई किए गए हैं। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मूवमेंट के संदर्भ में, जिसको कहा गया है चिपको मूवमेंट। पूछ रहा है क्वेश्चन कि चिपको मूवमेंट का लीडर कौन है। ये क्वेश्चन अभी तक 2 बार रिपीट हो चुका है पिछले 6 साल के पेपर में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चिपको मूवमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो बेसिकली यहाँ तो पूछा गया है इस मूवमेंट का लीडर कौन है, क्या मेधा पाटकर हैं, क्या बाबा आमटे हैं, सुंदर लाल बहुगुणा है या फिर किरण बेदी हैं। तो देखिए, इसके जो लीडर हैं उनका नाम है सुंदर लाल बहुगुणा। ये नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो कि चिपको मूवमेंट के लीडर हैं। हालांकि चिपको मूवमेंट 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था राजस्थान में, जहाँ पे एक लोकल वेमेन जिनका नाम था अमृता देवी, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, और उनके साथ उनको देखते हुए 84 विलेजर्स और भी आ गए थे वहाँ मौजूद पेड़ों की रक्षा करने, क्योंकि वहाँ के राजा ने ये ऑर्डर दिया था कि वहाँ के सभी पेड़ों को काटना है। ये लोग सब एक एक पेड़ से चिपक के उसको हक करके खड़े हो गए और कहने लगे, अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। तो बेसिकली ये तो था इनिशिएशन चिपको मूवमेंट का, लेकिन अगर उसको एज अ प्रॉपर मूवमेंट के तौर पे बताएं तो उसको किसने शेप दी है, उसको एक्चुअल शेप देने वाले हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि खुद एक गांधीयन एक्टिविस्ट हैं, फिलोसोफर हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से भी अपील की थी कि पेड़ों को कटने से बचाया जाए, और उनकी इसी अपील की वजह से 15 साल का बैन लगा दिया गया था किसी भी तरीके के ग्रीन ट्री की चॉपिंग के ऊपर, और ये हुआ था 1980s में। तो यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रचलित फिगर हैं, चिपको मूवमेंट के लीडर हैं, और इनकी वजह से 15 साल का बैन लगा दिया गया था पेड़ चॉप करने के ऊपर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या वाइट टाइगर से संबंधित है, CFC, वाटर पॉल्यूशन या फिर एग्रीकल्चर। तो भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? ये एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। बेसिकली होता क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है वो सन से आने वाली यूवी रेज से हमको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन फिर देखा गया कि कुछ समय पहले इस ओजोन लेयर में एक होल होने लगा। होल क्यों हो रहा था? कुछ ऐसे सब्सटेंस थे जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ऊपर जा रहे थे स्ट्रेटोस्फेयर में, बहुत लंबी इनकी लाइफ होती है, बहुत सालों तक ये वहाँ पे सस्टेन करते हैं, और धीरे धीरे ये ओजोन को तोड़ते चले जाते हैं। देखिए, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो ये रिएक्ट करते हैं O3 के साथ और अल्टीमेटली एक O तो फ्री कर देते हैं और बचता है O2 यानी ऑक्सीजन। और ये जो रिएक्शन होता है चेन रिएक्शन है, बार बार ये इस तरीके से चलता चला जाता है, तो धीरे धीरे करके जो ओजोन है वो टूटती चली जाती है, टूटती जाती है, तो उससे होता है ओजोन होल। और इसी ओजोन होल के जरिए होता क्या है, जो अल्ट्रावायलेट रेज अभी तक हमारे तक नहीं पहुंच पा रही थी, वो इस ओजोन होल के जरिए हमारे तक पहुंच जाती हैं, और लोगों में, पेड़ पौधों में, पक्षियों में, पशुओं में अलग अलग तरीके की बीमारियाँ, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं, जैसे कि भयंकर कैंसर तक ये कॉज कर सकती हैं, पेड़ों को प्री मेच्योर डेथ का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारे स्किन डिजीज हो सकते हैं, बहुत सारे आई संबंधित डिजीज हो सकते हैं। तो बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ODS को रोकने के लिए,
और ओडीएस हमने बात की तो वो था क्लोरो फ्लोरोकार्बन। ये कहाँ मिलता है? ये रेफ्रिजरेटर्स में मिलता है, साथ में एसीज में मिलता है, ये प्लास्टिक के फोम्स में मिलता है। तो अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, उसमें हम लोग ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसके पहले एक प्रोटोकॉल था जिसका नाम था वियना कन्वेंशन, वो भी ओजोन लेयर के प्रति ही फोकस्ड था। इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पर अग्री किया गया 16 सितंबर 1987 को और ये फोर्स में एंटर किया गया 26 अगस्त 1989 को। भारत इसका सिग्नेटरी थोड़ा समय बाद बना, भारत बना इसका सिग्नेटरी 1992 में 19 जून को। तो ये वाला पॉइंट भी आप एग्ज़ाम के लिए याद रखें। अब आगे देखते हैं 2015 में आए हुए क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किसने डिस्कवर किया कि प्लांट में और ट्री में भी जीवन होता है, यानी पेड़ और पौधों में भी जीवन होता है, ये किसने डिस्कवर किया? तो ये डिस्कवरी की थी जगदीश चंद्र बोस ने, और उन्होंने कहा कि ट्रीज और प्लांट्स उसी तरीके से रहते हैं जैसे ही ह्यूमंस रहते हैं और उनमें भी जीवन होता है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। क्वेश्चन पूछ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस क्या है, मतलब क्या उसका आधार है। तो ये समझने से पहले हमको पहले देखना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इस तरीके का डेवलपमेंट है जिसमें हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के गोल्स को तो अपने मीट करेंगे ही और साथ साथ अपने नेचुरल सिस्टम को, नेचुरल रिसोर्सेज को भी सस्टेन करेंगे और अपनी इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो देखिए इकोनॉमी के बारे में बात की गई है, सोशल के बारे में बात की है और एनवायरनमेंट का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो तो इसमें सभी सारे पैरामीटर्स आएंगे। इसमें सोशल एरिया पे भी हम लोग फोकस करेंगे, इकोनॉमिक एरिया पे भी फोकस करेंगे और बाद में एनवायरमेंटल एरिया पे भी फोकस करेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है क्लाइमेट चेंज के बारे में। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है क्लाइमेट चेंज का, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम लोगों को मालूम है कि पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है। तो उसके होने के पीछे कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं जो ये दिखा रहे हैं हाँ भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कौन से हैं वो इंडिकेटर्स और कौन से इंडिकेटर हैं जो कि दिखा रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है भयंकर तरीके से, और कौन से इंडिकेटर क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं बता रहे। तो है यहाँ पे फ्लोरल क्रायोजेनिक टेक्टोनिक इंडिकेटर या लॉन्ग टर्म चेंज। तो ऐसे में देखिए जो लॉन्ग टर्म चेंज है वो एज सच कुछ नहीं बता रहा क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज जो है वो कंपैरेटिवली रीसेंट फिनोमिना है। लॉन्ग टर्म चेंजेस तो एक लंबे समय में ओवरऑल क्या बदलाव आए ये दिखाता है। क्लाइमेट चेंज अभी छोटा फिनोमिना है, अभी वो अमेच्योर फिनोमिना है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म चेंजेस जो है वो इंडिकेट नहीं करेंगे किसी भी तरीके क्लाइमेट चेंज को। अभी अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन से पल्यूटेंट सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं ओजोन लेयर को, यानी कि पूछा जा रहा है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इनमें से कौन से हैं। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, हमने जिन ODS को हटाने की बात की है, जिनको मिनिमाइज करने की बात की है, वो कौन है? क्या हाइड्रोकार्बन है यानी HC, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2, क्या वो नाइट्रस ऑक्साइड है NOx, या फिर वो CFC है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि CFC जो है वो एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। और कहाँ से आता है? ये रेफ्रिजरेटर से आता है। कहाँ से आता है? AC से आता है। कहाँ से आता है? प्लास्टिक के फोम से आता है। अब CFC करता क्या है? देखिए CFC जो है वो ऊपर जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में जाके ओजोन लेयर को तोड़ने का काम करता है। ये देखिए किस तरीके से करेगा। CFC जो है उसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ये सबसे खतरनाक है। ये देखिए ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल जब O3 के साथ जाके मिलता है तो उसको दो हिस्सों में तोड़ देता है। एक तो बनता है ऑक्सीजन और एक ये O जो है अपने साथ ले लेता है, तो बनता है ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड यानी CLO। अब ये जो CLO है ये जाके फिर से O3 से रिएक्ट करता है और इस बार ये फिर से क्या करता है, O2 एक तरफ कर देता है, CL अलग हो जाता है और एक और O2 कर देता है। तो आप देखिए लगातार ये ओजोन को तोड़ तोड़ के ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो CFC में क्लोरीन है ये सबसे खतरनाक यहाँ पे विलेन की भूमिका निभाता है और इस तरीके से पूरा CFC ओजोन को तोड़ने में जुटा रहता है। और एक समस्या की बात ये भी है, ये CFC जो है तो इसका जो लाइफ टाइम होती है ये बहुत लंबी होती है, तो इस वजह से ये बहुत लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में मौजूद रहता है और लगातार ओजोन को तोड़ने का काम करता रहता है। फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया अल्फा अल्फा क्या है। देखिए ये आपको क्वेश्चन याद ही करना पड़ेगा। अल्फा अल्फा एक तरीके की घास है
और ये नाम जो दिया गया है ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अब एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है। अल्फा अल्फा काइंड ऑफ ग्रास है, इसको और भी नामों से जाना जाता है जैसे कि ल्यूसर्न, जैसे कि मेडिकागो सैटिवा। बाकी है क्या, ये पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि ये पूरे समय रहता है, हर एक सीज़न में रहता है, इसका कोई सीजन फ्लावरिंग टाइम नहीं है, कोई ऐसा सीज़न नहीं है जब ये फ्लावर होगा। और इसको फोरेज के यानी कि एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो अल्फा अल्फा नाम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका में यूज़ होता है बेसिकली। अब हम चलते हैं 2016 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की तरफ। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि एनवायरनमेंट से संबंधित नहीं है। क्या वो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है? देखिए नाम में ही भाई एनवायरनमेंट है तो वो एनवायरनमेंट संबंधित तो होगा ही होगा, तो ये तो बात गलत है। दूसरा बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी एनवायरनमेंट से संबंधित है क्योंकि ये प्लांट से रिलेटेड सर्वेस करता है। तो बेसिकली इसकी जो ब्रांच है वो है बॉटनी, और बॉटनी इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी एनवायरनमेंट से संबंधित है। फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, अब देखिए आप वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है वो तो निश्चित तौर पे ही एनवायरनमेंट से संबंधित होगा, बचा आपका सिर्फ एक सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये आपने एलिमिनेशन टेक्निक से कर लिया। हालांकि सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी ये जो तीन ऑप्शंस हैं ये तो मेरे को पक्का पता है कि एनवायरनमेंट से संबंधित हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा नॉट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, तो बचा सिर्फ एक सर्वे ऑफ इंडिया। अब हम लोग डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, देखिए सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये भारत का सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी के तौर पे सामने आने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। क्या करता है ये, मैपिंग करता है, ये सर्वेइंग करता है। 1767 में ये सेटअप किया गया और इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट जो पुराना है यानी ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है सरकार का। तो एक क्वेश्चन आपने इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। अब अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जल पुरुष नाम से किस एनवायरमेंटलिस्ट को जाना जाता है, यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया। तो भारत का जल पुरुष या फिर वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। देखिए इनके बारे में देखते हैं, ये क्या वाटर कंजर्वेशन के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में है वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हैं, उस एरिया में अहम भूमिका निभाते हैं। इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है और अलग अलग तरीके काफ़ी सारे अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है, जैसे कि मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला है 2001 में, स्टॉकहोम वाटर प्राइज इनको मिला है 2015 में। ये एक एनजीओ चलाते हैं जिस एनजीओ का नाम है तरुण भारत संघ, जो कि बेसिकली 1975 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो आपको याद रखना है वाटरमैन ऑफ इंडिया या फिर जल पुरुष कौन है, राजेंद्र सिंह है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं वो, अलवर से बिलोंग करते हैं जो कि राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये वापस वही रिपीट हो रहा है, ओजोन होल किसकी वजह से हो रहा है, अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो इसका आंसर अब आप हमें बताएंगे, क्या वो एसिटिलाइन है, इथाइलिन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या फिर मीथेन है। फिर यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन था वो था ट्रॉफिक लेवल के बारे में। क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रॉफिक लेवल वन जो है वो किसको इंक्लूड करती है, क्या वो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, कार्निवोरस एनिमल्स हैं, ओमनीवोरस हैं या ग्रीन प्लांट है। देखिए ट्रॉफिक लेवल पहले क्या होता है, ट्रॉफ मतलब होता है न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन से मैंने ये समझा कि ट्रॉफिक लेवल क्या करेगा, ट्रॉफिक लेवल बेसिकली बताएगा कि न्यूट्रिशन किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। इस सब चीज़ को हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये ट्रॉफिक लेवल के तौर पर मैंने एक चीज़ बनाई, यहाँ पे कुछ लेवल्स होंगे, जैसे कि ये पहला लेवल हो गया, ये दूसरा लेवल हो गया, ये तीसरा लेवल हो गया। अब देखिए जो सबसे निचले लेवल पे होगा यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा वो होगा प्रोड्यूसर, क्योंकि पहले किसी को खाना बनाना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो खाना ऊपर जा पाएगा। तो यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे होते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो खाना खुद ब खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इन ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करके उनको खा के अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले जो एनिमल्स हैं उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, यानी वेजिटेरियन एनिमल, यानी कि सिर्फ वो हरी भरी पत्तियां ही खाते हैं। तो पहले लेवल पे आप मान सकते हैं हर्बीवोरस, जैसे कि डियर, जैसे कि काउ, ये लोग पहले लेवल पे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये लोग मतलब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे हैं। फिर तीसरे ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो डियर और काउ को खाने के बाद न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे, जैसे कि भेड़िए यानी कि वुल्फ, जैसे कि फॉक्स। तो क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स को खा के यानी कि मीट को खा के न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, इनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। और फिर सबसे ऊंचे ट्रॉफिक लेवल पे वो होंगे जो इनको भी खा सकते हैं, इनको भी खा सकते हैं, मतलब
अगर हम एनिमल में बात करें तो टाइगर या फिर लायन होंगे सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे, वो भी अपने नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल के एनिमल्स को खा के न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। तो मुद्दा आता है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन है, वो है प्रोड्यूसर्स या फिर ग्रीन प्लांट्स। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ग्रीन प्लांट्स। अब बात है ये ओमनीवोरस क्या है। देखिए ओमनीवोरस वो एनिमल्स हैं जो प्लांट भी खाते हैं और साथ में एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं, वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए दोनों में से किसी भी मेथड पे चले जाते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल को डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे तो देखिए सबसे नीचे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो लोग सन की एनर्जी यूज़ करके फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। उन्होंने यहाँ पे खाना बनाया तो ऊपर वाले इनसे इनको खाते हैं और इनको खा के एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। जो सेकेंडरी है फिर वो इनको खाते हैं, इनको खा के ऑब्टेन करते हैं, ये वाले इनको खा के ऑब्टेन करते हैं और ये वाले इनको खा के ऑब्टेन करते हैं। तो सीधी सी बात है जो सबसे ऊपर चोटी पे बैठा होगा वो सबसे कम होगा अमाउंट में भी, मतलब कुछ 5 या 6 शेर होंगे। लेकिन आप नीचे अगर प्लांट्स की गिनती करें तो प्लांट्स तो पता नहीं कितने करोड़ों में होंगे। तो इस तरीके से जो ये पिरामिड है ये ऊपर की तरफ जाते जाते टेपर होता जाता है, यानी पतला होता जाता है, क्योंकि ऊपर जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते चले जाते हैं। और हमको बात करनी थी यहाँ पे फर्स्ट लेवल की, तो फर्स्ट लेवल पे कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अगर आपके एग्जाम में अब सेकेंड या थर्ड लेवल के बारे में भी आ जाए तो अब आप आराम से उसको लिख पाएंगे। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया स्टार्च क्या चीज़ है, क्या मोनोसैकराइड है, क्या डिससैकराइड है, पॉलीसैकराइड है, या ऊपर से कुछ भी नहीं। तो पहले हम इन उल्टे सीधे टर्म्स का एक बार मतलब समझ लेते हैं। देखिए मोनोसैकराइड क्या होता है, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, इसीलिए इसको कहा जाता है सिंपल शुगर। और क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, यानी इसको फर्दर और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। अगर अपन लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर गैलेक्टोज। तो अगर अगली बार से क्वेश्चन ये आ जाता है कि ग्लूकोज क्या है तो आपको याद रखना है मोनोसैकराइड है, फ्रक्टोज क्या है तो आपको याद रखना है मोनोसैकराइड है, और गैलेक्टोज भी मोनोसैकराइड है। अब हम लोग देखते हैं ये पॉलीसैकराइड क्या होता है। देखिए बहुत सारे मोनोसैकराइड मिलके एक साथ जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीसैकराइड। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इसका एग्जाम्पल है स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन। बेसिकली अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है स्टार्च किसका एग्जाम्पल है। तो अभी हमने देखा कि स्टार्च जो है वो पॉलीसैकराइड का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी पॉलीसैकराइड। अगर आपके एग्जाम में इन तीनों में से कुछ पूछा जाए तो आप ध्यान रखें ये सब मोनोसैकराइड का एग्जाम्पल है। मोनोसैकराइड खुद क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, उसको और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पोटैटो क्या है, क्या वो जड़ है, क्या वो फल है, ट्यूब है या फिर बल्ब है। तो देखिए पोटैटो एक ट्यूबर के तौर पे सामने आता है, इसका कुछ बोटानिकल नेम है जो हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूबर क्या है, किसी भी प्लांट में कुछ एनलार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर हो जाते हैं। समझ लीजिए ये कोई प्लांट है उसमें एक ऐसा कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया जहाँ पे वो स्टोरेज के लिए न्यूट्रिएंट्स भेजता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को आप कहते हैं ट्यूबर, और पोटैटो एक ट्यूबर ही है। इसके अलावा कुछ और स्टेम ट्यूबर्स भी हैं जैसे कि पोटैटो या फिर याम। फिर हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन जो है वो रेवोल्यूशन से है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था रेवोल्यूशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन है कि भाई इनमें से ब्लू रेवोल्यूशन से कौन सा जुड़ा हुआ है, क्या वो फ्लारी कल्चर है, सेरी कल्चर है, पिसी कल्चर है या फिर हॉर्टिकल्चर है। तो एक बार हम देखते हैं ये चारों कल्चर होते क्या हैं। देखिए जैसे कि नाम बता रहे हैं फ्लारी कल्चर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्लार की फार्मिंग करते हैं, यानी हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं यहाँ पे फूल उगाने पे, सिर्फ और सिर्फ फूलों का ही कल्टिवेशन करते हैं। फूल अलग अलग तरीके से यूज़ हो सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग फ्लोरल इंडस्ट्री में उसको भेज सकते हैं बेसिकली। लेकिन आपको याद रखना है फ्लारी कल्चर इज़ रिलेटेड टू फ्लावर्स। फिर आते हैं सेरी कल्चर। सेरी कल्चर है सिल्क की फार्मिंग। सिल्क की फार्मिंग कैसे होती है, हम लोग सिल्क वॉर्म को कल्टिवेट करते हैं जिससे कि वो सिल्क प्रोड्यूस कर पाएँ। तो याद रखिएगा सेरी कल्चर मतलब सिल्क वॉर्म की हेल्प से सिल्क प्रोड्यूस करवाना। फिर तीसरा पिसी कल्चर। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रखें पिसी नहीं, इसको आप याद रखें फिशी। फिशी कल्चर मतलब फिश का कल्टिवेशन। इसमें हम लोग ब्रीड करते हैं, रेयर करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं इनफैक्ट फिशेस को, तो इसको फिश फार्मिंग भी कहा जाता है। और फिर आखिरी में हॉर्टिकल्चर, जिसको डिफाइन किया गया है एज एग्रीकल्चर ऑफ प्लांट्स। इसमें हम लोग प्लांट्स उगाते हैं। एग्रीकल्चर में हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं लेकिन हॉर्टिकल्चर में हम लोग प्लांट्स उगाते हैं, और ये मेनली फूड के लिए, मटेरियल के लिए, कंफर्ट, ब्यूटी और डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं।
अब अगर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन कह रहा है ब्लू रेवोल्यूशन में से क्या है। तो अभी हमने देखा कि पिसी कल्चर, जैसे कि हमने उसको याद किया है, वो है फिशी कल्चर। तो फिशी कल्चर में क्या करते हैं हम लोग, फिशेज के कल्टिवेशन पे फोकस करेंगे। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू वाटर। तो देखिए वाटर और फिशेज आपस में रिलेटेड होंगे, तो आप इस आधार पे यहाँ पे फिशी कल्चर को आराम से टिक कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग चलते हैं वर्ष 2017 में आए हुए क्वेश्चंस की तरफ। देखिए जो पहला क्वेश्चन आया है वो कह रहा है इनमें से कौन सा पेयर सही से मैच नहीं है। पहला इसमें दे रखा है एक वर्ल्ड की पहली क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस और उसके साथ उसका ईयर दे रखा है 1979। फिर दे रखा है पहली अर्थ समिट, उसमें आया था एजेंडा 21 ऐसे बताया गया है। फिर दे रखा है अर्थ समिट प्लस 5 जो कि 1997 में हुआ। तो इसके लिए आपको ये वाले अर्थ समिट का वर्ष याद होना ज़रूरी है। ये जो अर्थ समिट था ये 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो अगर 92 में आप प्लस 5 करेंगे तो आपका 97 आएगा, ये बात तो एकदम ठीक है। और आखिरी है कार्बन ट्रेडिंग जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। आप ये देख रहे हैं कि लगातार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे कितना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आप अच्छे से पढ़ के जाएं, कब आया था ये, किस चीज़ पे फोकस करता है ये, इसमें से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या क्या हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरीके से ओजोन को डिप्लीट करता है, तो ये सारे फैक्ट्स हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देखिए आपको मालूम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कार्बन ट्रेडिंग से डील नहीं करता, वो किससे करता है, ओजोन के डिप्लीशन को रोकने से करता है, ODS को ख़त्म करने से करता है। तो इसीलिए फोर्थ वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर जो कार्बन ट्रेडिंग लिखा है उसके साथ कौन डील करता है, उसके साथ डील करता है क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में आया था। अब मुद्दा है भाई कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है। कार्बन ट्रेडिंग बेसिकली आप समझ लीजिए एक सर्टिफिकेट है। आप ये समझ लीजिए दो कंट्री है ए और ये कंट्री है बी। जो ए कंट्री है और जो बी कंट्री है दोनों ही कंट्री को 100 यूनिट मैक्सिमम एमिशन टारगेट दे रखे हैं, यानी आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे अपने सभी प्रोसेस को मिला के 100 यूनिट से वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ लेते हैं जो ए कंट्री है उसने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा, अच्छे अच्छे प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया, तो इसने पूरे वर्ष में सिर्फ 50 यूनिट ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो इसके पास बची रह गई 50 यूनिट। और जो कंट्री बी है उसने खूब अपने डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया, ज़बरदस्त तरीके से इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज चली और इसने जो है वो 150 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर ली अपना साल का अंत आते आते, तो ये -50 में चला गया। भाई इसमें हम बोल रहे हैं कि तेरे को 100 करनी है लेकिन उसने 150 कर ली, तो 50 उसने एक्स्ट्रा करी है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये जो यहाँ पे क्रेडिट हैं, ये जो सर्टिफिकेट हैं, इसको यहाँ पे ट्रेड कर दिया जाएगा, उसके बदले में ये किसी तरीके के यहाँ पे बेनिफिट्स देंगे, तो ये लोग भी अपने टारगेट को मीट कर पाएंगे और अल्टीमेटली इन्होंने जो चीज़ बचाई है, जो इन्होंने लगातार प्रयास किए हैं, उनके लिए इनको भी फल मिल पाएगा। तो दोनों ही ए और बी कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे फ़ायदा है। और ये होता किस में, ये देखा जाता है सबका सब क्योटो प्रोटोकॉल में। तो देखिए कार्बन ट्रेडिंग जो है वो क्योटो से संबंधित है और मॉन्ट्रियल जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से संबंधित है। अब बाकी हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन था फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो ये कब हुई थी, 1979 में हुई थी, 12 से 23 फरवरी को हुई थी। स्पॉन्सर किसने की थी, ये की थी WMO ने और ये जेनेवा में कंडक्ट की गई थी। ये वन ऑफ द फर्स्ट मेजर मीटिंग थी जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुई थी। फिर हम चलते हैं अर्थ समिट, जो कि मैंने आपको बताया 1992 में हुई थी। इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, यानी कि UNCED। इसके अलावा इसके और भी नाम है, जैसे कि रियो डी जेनेरियो या फिर अर्थ समिट या रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस या फिर अर्थ समिट। 1992 में हुई थी, इसमें बेसिकली तीन डॉक्यूमेंट सामने आए थे, एक था रियो डिक्लेरेशन, एक था एजेंडा 21 और एक था फॉरेस्ट प्रिंसिपल। तो आप देखिए एजेंडा 21 भी यहाँ पे सामने आया था। तो इस तरीके से 1979 सही हो गया, एजेंडा 21 सही हो गया और 92 से प्लस 5 हमने कर लिया, 97 हमारे सामने आ गया, तो ये भी सही हो गया। यानी अल्टीमेटली यही वाला सही से मैच नहीं है और क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सही से मैच नहीं है, तो आपका आंसर हो गया डी। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है एक एक्ट के बारे में। एक्ट का नाम है वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, यानी पॉल्यूशन को प्रिवेंट करो और पॉल्यूशन को कंट्रोल करो। तो उसके लिए एक एक्ट लाया गया, तो ये उस एक्ट के बारे में है। पूछा ये जा रहा है ये एक्ट कब एनफोर्स किया गया, तो आपको याद रखना है कि जो एक्ट था ये 1974 में एनफोर्स किया गया था और इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए और जो पानी की समस्याएं हो रही हैं जो उसको पूरी तरीके से रिस्टोर करने के लिए, उसको सही करने के लिए। ये एक्ट ने कुछ संस्थाओं को पावर दिया, जैसे कि सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड, कि उनको पानी में होने वाले पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है।
इस पर्टिकुलर एक्ट को अमेंड किया गया था 1988 में, लेकिन आपसे पूछा गया कब एक्ट ये आया था, तो आपको 1974 ध्यान रखना है। इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं 2018 में आए हुए क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है एनजीटी के बारे में। कुछ नहीं, इसमें बस फुल फॉर्म पूछा हुआ है एनजीटी का क्या है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है, तो इसमें ए सही हुआ। लेकिन अब इसके कुछ और पहलू भी आपको देखने चाहिए कि ये एक्ट कब आया था। ये एक्ट आया था 2010 में। ये बॉडी जो है एक्ट के तहत स्थापित की गई है, इस वजह से ये है स्टैट्यूटरी बॉडी। ये बेसिकली आई क्यों थी, जिससे कि कोर्ट्स का बर्डन कम किया जा सके और जो एनवायरनमेंट से संबंधित केसेस हैं वो सीधे एनजीटी में ट्रांसफ़र किए जा सकें। उससे होगा क्या, एनवायरनमेंट के केसेस अगर ये देखेगी तो ये क्विक उसका फटाफट डिसीजन दे पाएगी। और यहाँ पे इसके लिए एक लिमिट भी सेट थी कि इसको 6 महीने के अंदर अंदर फाइनली अपना डिसीजन देना है। तो अगर आप देखें तो देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश हुआ 18/10/2010 को। इसमें एक एक्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जो 2010 में ही एक्ट आया था, और क्योंकि एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ है इसीलिए हमने अभी अभी देखा ये स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है। एनवायरनमेंट से संबंधित केसेस का क्विक डिस्पोजल हो, इसके लिए ये पर्टिकुलर एक्ट लाया गया, और ये रिलीफ दे सकता है और साथ साथ कंपनसेशन भी प्रोवाइड कर सकता है किसी भी डैमेज के लिए अगर किसी व्यक्ति या फिर उसकी प्रॉपर्टी को हुआ हो वहाँ पे एनवायरनमेंट को नुकसान होने की वजह से। फिर हम यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। हाल फिलहाल में उस टाइम ये हुआ था कि एक स्टेट को पहला ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया गया था भारत का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा पहला स्टेट था जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे पूरी तरह 100% डिपेंड कर रहा था। एमपी था, केरला था, सिक्किम था या अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम वो पहला स्टेट था जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था। और वो कैसे बना, उसने करीब 75,000 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड जो है उसका, उसको सस्टेनेबल कल्टिवेशन के अंडर ला दिया, और उसने सभी ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस यहाँ पे परफॉर्म की, फर्टिलाइजर्स का या फिर कोई केमिकल्स का इनका इस्तेमाल ज़ीरो कर दिया, और सारी चीज़ें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मदद से की। और उसी के चलते जब सर्वे किया गया तो सर्वे में ये सामने आया कि जो भारत का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट है वो है सिक्किम। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखें। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन में काफ़ी डाउट था। इस क्वेश्चन को बेसिकली MPPCS ने डिलीट कर दिया था पिछली बार। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कौन से मेन एयर पॉल्यूटेंट्स हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। क्या वो ओजोन है, क्या वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड SO2 और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो देखिए, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो उसमें आज की जो पॉल्यूशन की समस्या है उसमें ज़्यादातर सभी पॉल्यूटेंट्स एयर क्वालिटी को डिटेरिरेट करने के लिए लगे हुए हैं। तो उसमें हमको छांट नहीं सकते कि ओजोन है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर ये दोनों नहीं हो के बाकी तीन है। तो ये इसीलिए थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था और डिलीट कर दिया गया। लेकिन हालांकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़े तो आप कोशिश करें कि उस ऑप्शन पर टिक करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स मौजूद हों। क्योंकि देखिए, NO2 और SO2 तो हर एक व्हीकल से, हर एक इंडस्ट्री से, ज़्यादातर जगहों से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, और जितने भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज को एमिट करती हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो आपको टिक करने को अगर आ जाता तो आप सी टिक करते। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं और इसी वजह से ये डिलीट भी कर दिया गया। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि इनमें से मेडिसिनल क्रॉप कौन सा है। क्या शुगर केन है, एलोवेरा है, कॉटन है या महुआ है। तो देखिए, इसमें शुगर केन और कॉटन तो फॉर श्योर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मेडिसिनल क्रॉप नहीं है। उनमें कोई एज सच बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है। अब बात आती है एलोवेरा पे या फिर महुआ पे। तो एलोवेरा में बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये डाइजेशन को क्योर करता है, ये स्किन डिजीज़ को ठीक करता है, ये हेयर की हेल्थ को ठीक करता है। तो जो एलोवेरा है उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे एलोवेरा को एज अ मेडिसिनल क्रॉप। उसके अलावा अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो देखिए, एलोवेरा स्किन इंजरीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा अगर आपने कहीं खुद को जला लिया हो तो उन बर्न्स को हील करने में भी हेल्प करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं उसमें। और फिर हम देखते हैं आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कि सनलाइट की जो एनर्जी है, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान उस पर्टिकुलर एनर्जी को किस में ट्रांसफ़र करते हैं, किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्या केमिकल एनर्जी बनाते हैं, क्या फिजिकल बनाते हैं, या फिर ये दोनों ही बनाते हैं।
देखिए, फिजिकल एनर्जी जहाँ बात आएगी वहाँ पे किसी मैकेनिकल प्रोसेस की बात करनी पड़ेगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखिए, सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट जो सोलर एनर्जी आ रही है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इस दौरान एक और चीज़ होती है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखें, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे और ऑक्सीजन बाहर छोड़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि दिन में पेड़ के नीचे बैठना या पेड़ के आसपास रहना अच्छा रहता है, क्योंकि आप ज़्यादा सारी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। अब जनरली लोगों को एक डाउट होता है, देखिए प्लांट जो है वो भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जीवित रहने के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, यानी सांस लेनी पड़ेगी। और रेस्पिरेशन के दौरान हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। आप ध्यान रखें, ये दो प्रोसेस अलग अलग है। ये मैंने आपको यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बताया, यहाँ पे मैं आपको रेस्पिरेशन बता रहा हूँ, क्योंकि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रेस्पिरेशन भी करेंगे। पर बात क्या होती है, प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, यानी जितनी ज़्यादा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड खींच के ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं उतनी वो ऑक्सीजन कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ पा रहे। तो दिन में जब सनलाइट होती है तब फोटोसिंथेसिस इतना ज़्यादा हावी होता है कि प्लांट ज़्यादातर ऑक्सीजन से भरपूर रहते हैं, अपने चारों तरफ भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन आपने ये भी सुना होगा, कहा जाता है कि जब सूरज ढल जाता है, जब शाम हो जाती है, तो पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सूरज ढल गया तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद हो गया, तो सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा है, वो है रेस्पिरेशन। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप पेड़ के आसपास रहेंगे, आप इनहेल करेंगे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे और आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से चक्कर आते हैं, ड्राउजीनेस होती है और अलग अलग तरीके की कई समस्याएं हो सकती हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस हो रहे हैं प्लांट में, लेकिन दिन में फोटोसिंथेसिस काफ़ी हावी हो जाता है और एकदम सूरज ढलने के बाद फोटोसिंथेसिस गायब हो जाता है और सिर्फ रेस्पिरेशन रहता है। तो उस समय प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांट सनलाइट की एनर्जी को लेके किस में उसको ट्रांसफॉर्म करता है, तो इसका आंसर है वो केमिकल एनर्जी में उसको ट्रांसफॉर्म करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ एनवायरनमेंट से संबंधित सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। 2013 वर्ष से शुरू करते हुए 2018 वर्ष तक के क्वेश्चंस को हमने आपके साथ डिस्कस किया, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ इन लेक्चर्स से आपको हेल्प मिल रही होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो रहे होंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।